पर फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सुनाइए। कार्यालय में जाता था, इसलिए मैं भी अपने आप को संकल्प का विद्यार्थी मानता हूँ। मैं उस सेवा में तो नहीं हूँ, न मैं उस सेवा में गया, लेकिन जिस सेवा में भी हूँ, ये सेवा निश्चित रूप से जैसा नाम है उसी प्रकार का संकल्प सिखाती है। और आप सब लोगों ने ये जो सफलता मिली है, इसके लिए कठिन परिश्रम किया है और उसी का एक प्रतिफल है कि और साथ में इसमें संकल्प के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का भी कहीं ना कहीं योगदान है। और बड़ा अच्छा लग रहा था कि संतोष जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रकार का प्रतिभावान छात्र छात्राएं दिखाई दे उसके लिए संकल्प हमेशा तैयार है। बहुत बड़ी बात है आज के युग में इस प्रकार से काम करना और इस सेवा में चयनित होना निसंदेह ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन ये यात्रा अब यहीं समाप्त नहीं होती। जैसा मैंने कहा, आप सबकी एक नई यात्रा की शुरुआत है और एक ऐसी यात्रा जो हमारे देश के भविष्य को गढ़ने में सिद्ध होगी। आप सब लोगों ने बहुत सारे आयामों पर काम करना है, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर काम करना है और नवाचार करके लगातार देश के लिए नई नई उपलब्धियों को हासिल करना है। और संकल्प जहां एक और हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के माध्यम से जो नई पीढ़ी है उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है और वहीं राष्ट्रवाद की प्रेरणा को जागृत करने का काम भी निरंतरता से कर रहा है। और यह संस्थान केवल शैक्षिक केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां पर राष्ट्र निर्माण की भी नींव रखी जाती है। अपने आप में एक अलग प्रकार का संस्थान, यहां विद्यार्थियों को न केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए ही तैयार नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति सभ्यता और राष्ट्रवाद के जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों से भी अवगत कराने का काम हमारा ये संस्थान करता है। और संकल्प में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के छात्रों को समान रूप से, अभी संतोष जी ने बताया किस प्रकार से निःशुल्क रूप से उनका मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है, यह निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणादायक है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम